एक साथ आप बहुत सारा रोटी बना सकते हैं चुटकियों में ऐसे ही कुछ छोटे छोटे टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा काम आएगा घंटों का काम आपको मिनटों में ही हो जाएगा पहला जो टिप्स है फ्रेंड बैगन को लेकर कई बार हम बैगन घर में लेकर आते हैं पाँच छः दिन के लिए घर में रहते हैं और बैगन जो है ना एकदम से सूख जाते हैं सूखा हुआ बैगन से अगर हम भाजी बनाए सब्जी तरकारी बनाएंगे ना तो खाने में एकदम से अच्छा नहीं लगेगा इसके लिए जो बैगन एकदम से सूख गया है उस बैगन को बर्फ़ वाला पानी में अब रख दीजिए एक दो मिनट के लिए इससे क्या होगा आपका जो बैगन है ना एकदम से ताज़ा हो जाएगा फिर आप भाजी बनाएंगे तरकारी बनाएंगे तो खाने में अच्छा लगेगा अगला जो टिप्स है फ्रेंड भिंडी को लेकर भिंडी को सब्जी जब भी हम बनाते हैं भाजी बनाते हैं ना तो जरूरी टिप्स अप्लाई कीजिएगा पहले आप भिंडी को पानी की मदद से धो लीजिएगा भिंडी काटने के बाद कभी भी मत धोइएगा नहीं तो भिंडी की जो सब्जी हो होगा ना एकदम से चिपचिपा हो जाएगा धोने के बाद जरूर अब भिंडी को काटिएगा कई बार हम एक एक करके भिंडी काटते हैं और भिंडी काटने में बहुत सारा समय लग जाते हैं छोटा सा एक टिप अप्लाई कीजिएगा एक भिंडी कटने के समय बहुत सारा भिंडी आप काट सकते हैं इसके लिए क्या करना होगा पहले भिंडी का इस तरीके से हम हाथों पर ले लेंगे सारे भिंडी को देखिए इस तरीके से मैं सारे भिंडी को एक साथ ले लिया है हमारी सभी के घर में पुराना रबर बैंड है कोई भी क्लीन सा पुराना एक रबर बैंड लेकर भिंडी में इस तरीके से लगा दीजिएगा फिर भिंडी अक... को जो डंडियल वाला पार्ट है ना इसको इस तरीके से अलग करके दीजिएगा देखिए इस तरीके से अलग करना होगा फिर हम क्या करेंगे भिंडी को एक साथ काट लेंगे देखिए एक भिंडी काटने के समय हम कितने सारी भिंडी काट सकते हैं और इस तरीके से भिंडी काट से ना हमें ज़्यादा समय नहीं लगता है फ्रेंड धीरे धीरे रबर बैंड पीछे हम खींचेंगे और भिंडी इस तरीके से काटते जाएंगे। देखिए समय का भी बचत हो जाएगा कई बार हाथों में पकड़ कर भिंडी काटते हैं तो हाथ से बार बार भिंडी छूट जाते हैं इस तरीके से भिंडी काट से ना काटने के समय हाथों से भिंडी निकल नहीं आएगा तो है ना कमाल का टिप्स अगला जो टिप्स है कई बार सब्जी तरकारी में ना हल्दी ज्यादा गिर जाते हैं जिसके कारण हल्दी का स्मेल आने लगता है और खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है इसके लिए छोटा सा एक काम कीजिएगा इस तरीके का जो छोटा सा मिट्टी का बर्तन हो या क्लीन सा दिया हो कोई भी क्लीन बर्तन मिट्टी का गरम कर लीजिएगा गैस में फिर हल्दी जो ज़्यादा हो गया है उस सब्जी तरकारी में गरम मिट्टी का बर्तन इस तरीके से डाल दीजिएगा इससे हल्दी का जो बैड स्मेल है वो चला जाएगा और सब्ज़ी तरकारी में खाने में अच्छा लगेगा अगला जो टिप्स है बरसात में कई बार क्या होते हैं हम कहीं जाते हैं घड़ी पहन कर में पानी लग चाहते हैं घड़ी चलना बंद कर देते हैं अगर हम इसको दुकान में ले जाएंगे तो ज़्यादा समय लगेगा घर भी और घड़ी और भी खराब हो जाएगा छोटा सा एक काम कीजिएगा हमारे घर में जो इस तरीके का लाइट होते हैं ना लाइट के ऊपर अब घड़ी को रख दीजिएगा घड़ी में जो पानी है ना लाइट क्या करेगा गर्म हीट के कारण एब्जर्व कर लेगा और हमारा घड़ी फिर से चलने लगेगा छोटा सा टिप्स फ्रेंड लेकिन है बहुत ही कमाल का टिप्स अजमाया हुआ टिप्स है आप खुद ट्राई कीजिएगा अच्छा रिजल्ट मिलेगा अगला जो टिप्स है कई बार बरसात में हम जाते हैं हमारे पैसे वगैरह भी जाते हैं गिला हो जाते हैं नहीं तो कई बार हम पैसे के साथ ही कपड़े को धो देते हैं और गिल, गिला हुआ पैसा हम धूप में बाहर भी नहीं सुखा सकते अगर धूप नहीं है तो कैसे हम सुखाएंगे तो एक कढ़ाई ले लीजिएगा कढ़ाई को आप इस तरीके से उल्टा करके रखिएगा गैस के चूल्हा के ऊपर हल्का गरम करके कढ़ाई के ऊपर आप इस तरीके से पैसे को रखिएगा उलट पलट करते हुए एक दो सेकेंड भी नहीं लगेगा आपका जो पैसा एकदम से गीला हो गया है ना वो एकदम सूख जाएगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा देख सकते हैं मेरा जो पैसा मैंने देखा दिखाया है आप लोगों को एकदम से पानी में भिगोकर जो पैसा एकदम से भिगा हुआ था कितना बढ़िया तरीके से सूख गया है अगला जो टिप्स से मैंने कढ़ाई ले लिया है कढ़ाई में डाल दिया है पानी थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा रिफाइन ऑयल फिर क्या करेंगे अच्छे तरीके से तीनों चीज़ों को हम मिला लेंगे अच्छे तरीके से पानी जब बॉयल होते लगेगा ना उसके अंदर डाल रहे हूँ गेहूँ का आटा गेहूँ का आटा देकर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे गैस बंद कर देंगे कई बार होता है रोटी खाने से ना हमें गैस एसिडिटी हो जाते हैं या रोटी बनाने के बाद हम सुबह बनाते हैं शाम को टाइम सख्त हो जाते है इस तरीके से हम रोटी बनाएंगे ना तो रोटी जो है एकदम से हमारा सॉफ्ट बनकर तैयार हो जाएगा अगर अगला दिन भी खाएंगे ना तो भी सॉफ्ट रहेगा और इस तरीके से रोटी बनाने से गैस एसिडिटी बिल्कुल भी नहीं होगा और पानी में हमने थोड़ा सा ऑयल डाले थे इसके लिए हमारे जो कढ़ाई है देखिए एकदम से क्लीन है इस कढ़ाई को धोने में भी कोई भी तकलीफ नहीं होगा अच्छे लगे तो टिप्स जरूर आप भी अप्लाई कीजिएगा अगला जो टिप्स है मैंने एक बर्तन में ले लिया है थोड़ा सा गुनगुना गर्म पानी इस तरीके का जो हमारे घर में होता है ना सेबिंग वाला पार्ट या हमारे घर में ब्रश होते हैं कई बार ब्रश में सेबिंग वाला जो चीज़ होते हैं बहुत सारे गंदगी जमा हो जाते हैं ब्रश में खाने के छोटे छोटे पार्ट रहते हैं तो इसके लिए मैंने ले लिया है एक टूथ ब्रश पानी में भिगोकर रखे थे जम्स बैक्टीरिया भी खत्म हो जाएगा फिर इस तरीके से टूथ ब्रश की मदद से आसानी से आप सारे गंदगी को निकल सकते हैं इस तरीके से आप हाँ पंद्रह दिन में एक बार या महीने में एक बार अप्लाई करेंगे ना आपका जो इस तरीके का सामान है एकदम से क्लीन रहेगा अगला जो टिप्स है मैंने यहाँ पर ले लिया है आटा कई बार होता है क्या हम रोटी बनाने के लिए जो लोई काटते हैं ना कोई लोई बड़ा हो जाते हैं छोटा हो जाते हैं इसके कारण हमारा रोटी भी छोटा बड़ा हो जाते हैं आप कोई थाली ले लीजिएगा या किचन स्लैब के ऊपर आटा रख कर इस तरीके से कोई ग्लास या कटोरी की मदद से काटेंगे ना कम समय में बहुत सारा रोटी बनाने के लिए लोई बना सकते हैं और जो रोटी होगा आपका परफेक्ट एक ही माप का होगा कोई छोटा बड़ा नहीं होगा अगला जो टेप से इस तरीके का जो पॉलीथीन होता है ना हमारे सभी के घर में जो पॉलीथीन यूज़ करने के लायक है वही पॉलीथीन ले लीजिएगा फिर पॉलीथीन के नीचे वाला हिस्सा ऊपर वाला हिस्सा हम क्या करेंगे इस तरीके से काट कर लेंगे फिर साइड से भी काट लगा लेंगे इस तरीके से बहुत सारा पलिथीन मैंने इसको काट कर रेडी कर लिया है देख सकते हैं क्या करेंगे एक एक करके पलिथीन रखेंगे थोड़ा सा आटा दे देंगे और रोटी बनाने के लिए लोई रखते हुए जाएंगे इस तरीके से एक के, के एक के ऊपर एक पॉलीथीन रखेंगे और रोटी बनाने के लिए आटा रखेंगे इस तरीके से आप चाहे तो रोटी बनाने के लिए दस आटा के लोई भी रख सकते हैं बोल सकते हैं जो घंटों का काम है मिनटों में ही हो जाएगा एक साथ आपके सारे रोटी आप बेल सकते हैं इस तरीके से एक थाली ले लिया है थाली की मदद से देखिए इस तरीके से मैं गोल गोल घुमाऊंगी और हमारा जो रोटी है ना एकदम से परफेक्ट गोल बनकर तैयार हो जाएगा एक साथ देखिए मैंने कितना सारा रोटी बनाया है बिना बेलन चकले की मदद से और एक के साथ एक रोटी चिपकेगा भी नहीं क्योंकि मैंने बीच में पॉलीथिन दे दिया था और रोटी जो है ना एकदम से परफेक्ट गोल बनकर तैयार हो जाएगा कोई भी दिक्कत नहीं होगा फ्रेंड आप चाहे तो और भी ज़्यादा रोटी इस तरीके से एक साथ बना सकते हैं तो है ना कमाल का टिप्स अच्छे लगे तो जरूर अप्लाई करना अगला जो टिप्स है इस तरीके का जो लौकी का सब्जी हम बनाते हैं ना जितना छोटे छोटे हम काटेंगे उतना ही खाने में अच्छा लगेगा कम समय में पक जाएगा लेकिन कई बार क्या होता है छोटे छोटे कटने के समय हमारे चाकू के की मदद से उंगली कट जाती है इसके लिए ग्रेटर ले लीजिएगा ग्रेटर के बड़ा बड़ा जो पार्ट होते हैं ना इस तरीके से घिसेंगे देखिएगा कम समय में आप बहुत ज़्यादा लौकी के सब्जी इस तरीके से काट पाएंगे और सब्ज़ी जो है ना एकदम से छोटे छोटे पीसेस करके आपका काटना हो जाएगा समय भी नहीं लगेगा और उंगली कटने की भी खतरा एकदम से नहीं रहेगा देखिए कितना आसान है फ्रेंड ये छोटे छोटे टिप्स अगर हम अप्लाई करेंगे ना हमारी डेली का काम एकदम से आसान हो जाएगा देखिए मैंने इतने कम समय में कितना सारा लौकी के सब्जी काट लिए हैं कई बार लौकी के सब्जी में बहुत ज़्यादा पानी आ जाते हैं जूस आ जाते हैं इस जूस को अगर हाथ हम पकाएंगे ना तो बहुत समय लगेगा और गैस खर्च भी ज़्यादा होगा तो इस तरीके से निचोड़ कर अब जूस को अलग कर लीजिएगा लेकिन लौकी का जो जूस है ना उसको मत फेंकीिएगा फ्रेंड ये इतना ज़्यादा क्या बताऊँ इतना ज़्यादा हेल्दी है लौकी का जूस ओएस वेट लॉस करने में मदद करती है जिसका ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करती है हमारे त्वचा को ग्लो करने में मदद करती है आप चाहे तो सुबह रोज ए जूस पी सकते हैं